हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। दूसरी बात, मैं इनकरेज करना चाहूंगा आपको कि आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बने, क्योंकि अगर आप मेंबर बनते हैं हमारे चैनल का तो वहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलती हैं। वहां पे आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिलती है 40% डिस्काउंट पे। साथ ही साथ आपको 24/7 आपको सर्विस मिलता है, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसके लिए करना क्या आपको, सिंपली आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पे बेल आइकन दबाना है, फिर देखो यहाँ पे ज्वाइन का बटन है, इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इग्नू बीकॉम में जाना है और यहाँ पे फिर ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करना है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपसे 190 रुपीज जो है वो पे करने के लिए कहा जाएगा। पे कर लेने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, मोर अबाउट पर्क्स में जाकर के आपको इस व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर क्लिक करना है और हमारे मेंबरशिप प्लान के जो ग्रुप है, जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है हमारा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहीं पे आपको सर्विस सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप जब भी स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में आए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वीडियोज हैं, उन सबको आप वॉच करें, आपके मार्क्स डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे आएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू स्टडी अपना करें, ठीक है। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ इनोवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, दूसरा है डिसरप्टिव इनोवेशन, तीसरा है आर्किटेक्चरल इनोवेशन। इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ जी। तो दूसरा है डिसरप्टिव इनोवेशन, तीसरा है आर्किटेक्चरल इनोवेशन, चौथा है रेडिकल इनोवेशन। तो ये चारों किस तरह के इनोवेशन हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ये क्या होता है? So this is the most popular type of innovation which utilizes the existing technology, thereby increasing the value to the customer, है ना? Incremental नाम से पता चल रहा है कि ये increment हो रहा है ना? मतलब increase हो रहा है किसी चीज़ में, मतलब already एक technology काम कर रही है आपके उस, आप उस वाले जो existing technology, आप उसमें कुछ फेरबदल कर रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो जिसके कारण से उसके utility है उस product की, वो बढ़ जा रही है, तो उसे हम कहेंगे incremental innovation, ठीक ना? तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसको करने का। आपको जो है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ही एक तरीके से एडवांस बनाना है और उसको यूटिलाइजेशन के लिए बेहतर बनाना है। यूजुअली ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंगेज इन इंक्रीमेंटल मोटिवेशन, सॉरी इनोवेशन, है ना? तो तकरीबन हर एक तरह की जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो एक तरीके से इंक्रीमेंटल इनोवेशन के ऊपर काम जरूर करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है फेसबुक का। देखो, दिस सोशल नेटवर्क कंपनी सिंस इट ऑपरेशंस इन 2004, क्या उल्टा पुल्टा बक रहा हूं मैं, ये 2004 में फेसबुक हमारा स्टार्ट हुआ था, हैज यूज्ड इंक्रीमेंटल इनोवेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना? अभी जो हम फेसबुक यूज करते हैं, प्लस उस टाइम पे जो फेसबुक हुआ करता था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो एग्जिस्टिंग फेसबुक उनका पहले से चल रहा था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करी हैं, नई नई चीजें, और उसको उसमें जो है इंक्रीमेंटल इनोवेशन का इस्तेमाल करके फेसबुक को आज इतनी बड़ी कंपनी बनाया है, है ना? तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन का मतलब ये होता है। दूसरा है डिसरप्टिव इनोवेशन। नाम से पता चल रहा है कि डिसरप्ट करना, है ना, किसी तरीके से किसी चीज को मना करना होने से, इसको डिसरप्ट करना। दिस टाइप ऑफ इनोवेशन इज नोन एज स्टिल्थ इनोवेशन, है ना, सीक्रेट इनोवेशन, मतलब ऐसा इनोवेशन जो कि एक तरीके से छुपा हुआ है, स्टेल्थ है, है ना? आपने सुना होगा स्टेल्थ मोड, राइट? तो उसी तरीके से ये स्टेल्थ इनोवेशन होता है। दिस यूजेस न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मार्केट, है ना? तो ये एक तरीके से नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के करंट मार्केट में। इट इज सीक्रेटिव इन नेचर एंड एज दिस टेक्नोलॉजी टेंड टू बी इंफीरियर देन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इन द मार्केट इज मोर एक्सपेंसिव, है ना? तो ये जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी होगी, जो इनोवेशन होगा, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि ये इंफीरियर होगा, राइट? एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के मुकाबले ये जो है इंफीरियर होगा, जिसके कारण से इसका प्राइस जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। The new technology initially is quite hard to use till it surpasses the old technology and disrupts all existing organizations. है ना? वही बात यहाँ पे बोली कि नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, जब तक कि ये जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी काम कर रही थी वो जब तक सरपास ना कर ले, उसको जब तक नई टेक्नोलॉजी सरपास ना कर ले, तब तक नए नए ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे नई एक तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करवाने में दिक्कत होगी। पर जैसे ही लोग करने लगेंगे, वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से डिसरप्ट करेगा, उसमें अपना जो टेक्नोलॉजी है, जो अपना तरीका है, उसको लेकर के आएगा और जो नई तरीके से जो है काम होने लगेगा, राइट? इन दिस केस द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू माफी चाहूंगा
ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजी गेन्स अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो इस केस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आगे जाकर के कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ नया करना चाहती है उसको यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज होता है कि वो एक तरह से मार्केट को डिसरप्ट करती है। एप्पल्स आईफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन वेयर इट डिसरप्टेड द मोबाइल फोन मार्केट, है ना। तो एप्पल का जो आईफोन इन्वेंशन था वो एक तरीके से डिसरप्टिव तरीके से इनोवेशन था, क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया, मतलब मार्केट में एक तरह से मोनोपोली इसकी हो गई है। जैसे ही आया है बाकी सब के सारे के जो फोन जो कंपनियां हैं वो एक तरीके से बंद हो गई या तो नहीं चलने लगी, आईफोन ही चल रहा है ना। इसके पीछे रीजन यही है कि ये एक डिसरप्टिव इनोवेशन है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है, कुछ यूनिक चीजें हैं जिसके कारण से एक तरीके से ये मार्केट को डिसरप्ट कर रही है, राइट। तो इस तरह की इनोवेशन को हम बोलेंगे डिसरप्टिव इनोवेशन। तीसरा है आर्किटेक्चरल इनोवेशन। नाउ दिस टॉपिक ऑफ इनोवेशन टेक्स द लेसंस स्किल्स एंड ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइंग द सेम इन डिफरेंट मार्केट, है ना। तो ये जो एक तरह का इनोवेशन होता है इसमें आप लेसंस स्किल्स ओवरऑल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो और आप इसका इस्तेमाल करते हो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में, है ना। आर्किटेक्चर इनोवेशन नाम से पता चल रहा है कि आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो भी नॉलेज आपके पास है जो भी लेसन आपने लिए हैं जो भी स्किल्स आपके पास हैं आप उसका इस्तेमाल करते हो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस इन कंप्यूटर बिजनेसेस लाइक IBM, डेल, ETC हैव बीन यूजिंग टेक्नोलॉजीज विद लिटिल मॉडिफिकेशन टू सूट द डिजाइन। दिस टाइप ऑफ इनोवेशन इज लेस रिस्की, है ना। तो ये जो इनोवेशन होता है ये थोड़ा सा लेस रिस्की होता है। आपको पता है कि डेल के जो कंप्यूटर्स है वो आज से नहीं मिल रहे, 1990 के आसपास से मिल रहे हैं, तकरीबन 30-40 साल का उनका स्पैन हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो कंप्यूटर इन्होंने उस टाइम पे बनाया था वही कंप्यूटर आज भी चल रहा है? नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने थोड़ी थोड़ी बदलाव करके थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके एक तरीके से पूरा का पूरा मार्केट जो है अपना क्रिएट करा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल इनोवेशन, है ना। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा मार्केट को एक तरीके से कैप्चर किया है। छोटा छोटा मॉडिफिकेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, लिटिल मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो है उन लोगों ने करे हैं ताकि जो करेंट जो डिमांड जो करेंट नीड है उसको वो एक तरीके से सूट कर सके और उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग वो लोग जो है बना पाए, राइट। आखिरी और जो आखिरी पॉइंट है जो आखिरी टाइप ऑफ इनोवेशन है वो है रेडिकल इनोवेशन। सो दिस काइंड ऑफ इनोवेशन यूजुअली गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज कंज्यूमिंग द ओल्ड वंस देयर बाय ऑपरेटिंग क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। सो रेडिकल एक तरीके से जो इनोवेशन होता है वो इस तरीके का होता है कि वो जो प्रीवियस जो इनोवेशन हुआ होता है या जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है वो उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। कुछ ऐसा इनोवेशन जो कि नए आइडियाज को एक तरीके से बर्थ देता है, जन्म देता है, जिससे कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है जो पुराना आइडिया होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एक क्रांतिकारी बदलाव जो है हमारे टेक्नोलॉजी में आता है। तो इस तरह के इनोवेशन को हम बोलेंगे रेडिकल इनोवेशन। अ गुड एग्जांपल ऑफ द सेम क्राउड फंडिंग एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग बीइंग यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। आपको पता है कि अभी के टाइम पे क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं जिसे हम क्राउड फंडिंग कहते हैं, है ना, जहां पर पैसा लेकर के अपने काम को किया जाता है। तो क्राउड फंडिंग ये भी एक यूनिक तरह की इनोवेशन है जिसने बाकी तरह की जो फंडिंग के सोर्सेस थे उसको भी एक तरीके से वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चार टाइप्स थे। The organization use various types of innovation which best suit their needs. तो जो भी जितनी भी सारी organizations होती हैं वो अपने need के according अपने जो भी उनकी need है उसके according वो लोग जो है innovation का type जो है decide करते हैं और उसी के ऊपर जो है वो लोग काम करते हैं। So these are the four types of innovation. I hope कि आपको ये video काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो please please like comment और share करें। मिलते हैं अगले video में, अपना ख्याल रखें। Bye bye, thank you.